हे गाइस, वेलकम टू द कंपाउंड द मनी चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू पुट स्टॉप लॉस एंड दैट टू जीटीटी स्टॉप लॉस इन जीरोधा। देखो, स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं। एक नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है, जो आप ऐसे इस पे सपोज ये भेल पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, राइट? तो आपके होल्डिंग में भेल है, तो इस पर क्लिक करके जो थ्री डॉट्स हैं एग्जिट करोगे एंड देन यू विल पुट SLM हियर, राइट? एंड देन सपोज 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, आपकी बाइंग प्राइस जो है 56 है, आपको 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर ये वाला स्टॉप लॉस लगाओगे सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर द डे। लाइक मॉर्निंग में आप 9:15 को लगा सकते हो ये, और फिर आपको 3:30 तक अगर 50.50 नहीं आया भेल का प्राइस, देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्टॉप लॉस। अब देखते हैं GTT स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो GTT का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब वो स्टॉप लॉस सिस्टम में ऑलरेडी रहेगा जब तक भेल का प्राइस 50 रुपये तक नहीं जाएगा, करेक्ट? सो दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय वेरी फ्यू ब्रोकर्स, वन ऑफ देम इज जीरोधा। जीरोधा इज गिविंग दिस फैसिलिटी, राइट? बट और भी 5-10 ब्रोकर हैं जो देते हैं फैसिलिटी, तो आपको अपने ब्रोकर के साथ पूछना पड़ेगा कि कैसे ये कर सकते हैं, राइट? तो देखो, फिर से मैं GTT बताता हूँ। तो GTT कैसे करते हैं, तो इस पर आपको अगेन भेल पे जाके इस पर थर्ड डॉट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एग्जिट आपको इस बार नहीं करना है। इस बार क्या करना है आपको, क्रिएट GTT। देखो, क्लियर कट एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट GTT, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन इस पर क्लिक करने के बाद सिंस यू वांट टू जस्ट सेल, तो आपको यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करना है। सिंगल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी यहाँ डालना है। तो सपोज आपका 200 क्वांटिटी है मेरा भेल का, तो मैं 200 क्वांटिटी डालूंगा, और जो भी स्टॉप लॉस है आपको दोनों जगह डाल देना है। यहाँ भी आप 50 डाल दो और यहाँ भी 50 डाल, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको प्लेस कर देना है। तो देखो, एक मैसेज आ जाएगा GTT क्रिएटेड, और आपको मैसेज आने के बाद आप जाके चेक भी कर सकते हो कहाँ पे है। तो लेट मी टेल यू कहाँ से जाना है वहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे क्लिक करना है ऑर्डर्स जीरोधा में, एंड देन ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद GTT करके एक अलग से टैब है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू विल सी। देखो, अभी मैंने जो लगाया भेल का स्टॉप लॉस 50 रुपये, ये लग गया, राइट? तो हम लोग बहुत तरह का ट्रेडिंग करते हैं, और इसको सपोज करो मुझे नेक्स्ट वीक मॉडिफाई करना है या नेक्स्ट डे मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे अगेन यहीं पे जाके इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ। तो कल को मुझे 50 का अगर 51 करना है नेक्स्ट वीक, तो आई विल डू 51 हियर एंड देन यहाँ भी 51 कर दूंगा मॉडिफाई। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टॉप लॉस विच इज GTT इज दैट आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्टॉप लॉस जो आप होल्डिंग में लगाते हो डेली बेसिस पे आपको लगाना पड़ेगा, बट ये एक बार लगा दिया तो जब तक 51 प्राइस नहीं होता है तब तक इट इज वैलिड। इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा जब 51 पे आएगा और आपका स्टॉक एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी बाय जीरोधा एंड फ्यू ब्रोकर्स। सो आई होप यू लर्न। लेट मी शो यू अगेन कैसे करना है। जैसे केनरा बैंक पे लगाना है, तो आपको केनरा बैंक से 150 क्वांटिटी है, राइट? तो यहाँ पे केनरा बैंक पे यहाँ पे करना है, देन यहाँ पे क्या बोलना है, क्रिएट GTT, क्रिएट GTT बोलना है। फिर आपको यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करना है। सिंगल सेलेक्ट करने के बाद सपोज करो अभी 162 प्राइस चल रहा है केनरा बैंक का या जो भी है, तो आपको 160 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ भी 160 डालना है और यहाँ भी 160 डालना है, और सपोज यहाँ पे क्वांटिटी आपका 50 है, तो ये 50 डाल के जस्ट क्लिक ऑन प्लेस बटन, यू विल गेट द मैसेज GTT क्रिएटेड एंड यू कैन गो एंड चेक हियर। ऑर्डर्स में जाना है, देन GTT में जाना है। देखो, कैनरा बैंक का लग गया एंड दिस इज वैलिड टिल द टाइम कैनरा बैंक इज नॉट कमिंग डाउन टिल 160। सेम विथ वेल, जब तक वेल नहीं है तो सिमिलर वे। देखो, मैं सारे पोर्टफोलियो का लगा के रखता हूँ और एवरी वीकेंड केवल जाके चेंज कर देता हूँ। सो दैट इज हाउ वी मैनेज द स्टॉप लॉस वेरी इजिली। आई होप यू लाइक्ड इट।